नमस्कार, मैं विद्या अनुष्का किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब पंजाब के पराठे बाप रे बहुत ही शानदार होते हैं। भारत के कई सारे प्रांतों में पराठे बनाए जाते हैं, लेकिन पंजाब के पराठे की बहुत बात ही कुछ निराली होती है। पंजाब में कई तरह के पराठे बनते हैं और कई तरह से बनते हैं, तो आज ऐसे ही एक पराठा लेके आई हूँ, मूली का पराठा, जो मेरे आंटी बहुत ही ऑथेंटिक तरह से बनाती है और बहुत ही गजब का होता है। ये पराठा खाने के बाद मन ऐसे बोलता है कि वाह क्या शानदार पराठा था। तो चले, मूली का पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अब हम देखेंगे। मूली का पराठा बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम मूली ली है, 2 कप गेहूं का आटा मैंने मेजरमेंट कप का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 150 ग्राम प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, धनिया पत्ता, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर मैंने जीरा को हल्के से रोस्ट कर लिया और उसका पाउडर बना लिया है, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन और 1 हरी इलायची लिया है मैंने। स्वाद अनुसार नमक लेंगे, ज़रूरत के हिसाब से घी लेंगे, 1 चम्मच तेल लेंगे आटा सानने के लिए। अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मूली को छील के कद्दूकस कर लेना है। इस तरह से मूली का छिलका निकाल लेंगे और मूली को कद्दूकस कर लेंगे। मैंने सारे मूली को छील के लिया है, अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। मैंने सारी मूली को कद्दूकस कर इस बाउल में मैं इसका पानी निकाल लूंगी, मूली का निचोड़ निचोड़ के। इस तरह से मैंने थोड़ी मूली हाथ में ले ली है और इसे अच्छे से दबा दबा के हम इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। इस तरह से पूरा पानी निचोड़ लेना है हमें और इसी तरह से सब मूली का पानी हम निचोड़ लेंगे। मैंने मूली का सारा पानी निचोड़ लिया है, इससे इतना पानी निकल चुका है। अब इसमें दूंगी मैं नमक थोड़ा सा और आटा दूंगी 2 कप, 1 चम्मच तेल, 1 सान लेना है। अगर पानी की जरूरत पड़ती है तो और हम पानी देंगे। मैंने आटा सान लिया है, अब हम इस आटे को तेल देके 20 मिनट तक छोड़ देंगे। आटे को ऐसे छोड़ देना है तब तक आटा हमारा फूल आएगा। जब तक हमारा आटा फूल के तैयार होता है तो पराठे का हम स्टफिंग बना लेंगे। जो हमने कद्दूकस करके रखा था वो मूली लेंगे किसा हुआ। हरी मिर्च डालेंगे 2 से 3 मिर्च, प्याज 100 ग्राम प्याज, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच काला नमक, रोस्टेड जीरा पाउडर, 1 हरी इलायची की पाउडर, धनिया पत्ता और देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब अच्छे से हम मिला लेंगे। मैंने सारे मिश्रण को मिला लिया है। हमारा आटा 20 मिनट तक फूल चुका है, अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक लोई ले लेंगे आटे की, इस तरह से थोड़ा सा बेल लेंगे इसे।
साथ हम डालेंगे इसमें मिश्रण पराठे का, और इसे इसे उठाते हुए इसे बंद करना है इस तरह से, और इसे इसे घुमा के इस तरह से थोड़ा सा गोल गोल सब इस तरह से। अब हम इसे बेल लेंगे, सूखा आटा डालेंगे, हल्के हाथों से पराठे को बेलना है हमें। अब हम इस तरीके से सारे पराठे बेल लेंगे। मैंने तवे को गरम करने रख दिया है, तवे के गरम होते ही हम पराठा डालेंगे। एक साइड से हल्का सा भूनने के बाद हम इसे पलटेंगे। अब मैंने आंच को धीमा कर दिया है, धीमी आंच पर ही हमें पराठा सेकना है। अब लगाएंगे घी पराठे को दोनों तरफ से। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही गजब की खुशबू है, बहुत ही सुंदर महक रहा है ये पराठा। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो कैसे रहा ये शानदार पराठा? बहुत ही गजब का, बहुत ही शानदार पराठा बनाए और खाए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल अनुष्का'स किचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खाते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।